जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और फिर से एक वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी और हम आपको दिखाएंगे आज सीतामढ़ी में बन रहे रोड ओवर ब्रिज का काम, वो हम आपको दिखाएंगे। फ्लाईओवर का काम किस स्थिति में है, किस प्रकार चल रहा है, वो सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की तरफ, गुमती की तरफ, मैसौल रेलवे ओवर ब्रिज की तरफ, जिस तरफ से उसके बाद उस छोर के बाद आज़ाद चौक आएगा। अभी सुबह का वक्त है, सुबह का 7 बज रहा है लगभग, और इस समय अभी आप देख सकते हैं इधर भी खुदाई उदाई किया गया है। आगे चल कर के ये जो काम है, ये रेलवे ओवर ब्रिज, इसको 16 से 18 महीने में कंप्लीट करना था, लेकिन अभी काम मेरे हिसाब से काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इस वजह से अभी भी कोई भी पिलर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है और इसी पेट्रोल पंप से यहीं से ऊंचाई भरेगी और उसके बाद उस पार जा कर के, यानी रेलवे गुमटी के उस पार जा कर के यह दो भागों में बढ़ जाएगी और एक तरफ चली जाएगी सीतामढ़ी से भीठा मोड़ की तरफ और एक जो चली जाएगी बाजपट्टी की तरफ, जो NH 227 अब हो गया है, और इधर स्टेट हाईवे 52 की तरफ चली जाएगी। कुल मिलाकर के जो इसकी लंबाई होगी 1440 मीटर की होगी और वहीं चौड़ाई की बात करें तो 12 मीटर चौड़ा होगा यह। पहले इसकी लंबाई 650 मीटर ही थी, लेकिन अब जाकर के धीरे धीरे जैसे जैसे लागत बढ़ रहा है उस प्रकार से इसकी भीड़ को देखते हुए, जाम को देखते हुए इसकी लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ाई गई है। तो ये देख सकते हैं फिलहाल अभी यहाँ पर खोदा गया है, बहुत सारे दुकानों को हटाया गया है, अतिक्रमण को हटाया गया है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि खुदाई किया गया है। यहाँ पर काम जो है कि काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, हालांकि इसको और भी तीव्र गति से चलाने की ऊपर जोर देना चाहिए। अभी देख सकते हैं यही एक है जो कि जिसको थोड़ी सी हाइट प्रदान की गई है और इसके लिए समय बांधा जा रहा है, उसके लिए प्रारंभिक स्टेज का काम चल रहा है। हालाँकि इसको करने के लिए ही समय लगेगा और उसके बाद तीव्र गति से भी काम किया जा सकता है। यही जो पहली जो चरण है इसको कंप्लीट करना, प्रारंभिक स्टेज का जो काम है वही, उसी में समय ज़्यादा लगता है, उसके बाद तो धड़ल्ले से काम चलेगी। देख सकते हैं इधर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, इधर यही सब चल रहा है और यही जो है कि 13 वर्षों का सपना सीतामढ़ी वासियों के लिए है, जो अब जाकर के धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी समय लगेगा इसको बनने में। कई लोगों के प्रयास के बाद यह सफल हुआ है और यह अब जाकर के इसमें हाथ लगाया गया है, धरातल पर उतर कर आई है काम। और ये तो दोस्तों ये बगल में है रेलवे स्टेशन और यही जो रेलवे लाइन है, इसी पर जाम की समस्या बारंबार लगती रहती है, जिसको हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी एक ट्रेन भी आ रही है और देखते हैं यह कौन सी ट्रेन है। इसी तरह से जाम में फंसे रहते हैं लोग और घंटों तक जाम लगती है, इसी वजह से 9 से 9 यानी कि जो कि सड़क मार्ग से जाने वाली बस है उसको भी रूट डाइवर्ट करके चलाई जाती है। अभी इस फिलहाल इस रूट से नहीं जाएगी, सुबह 9 बजे तक तो कर जाएगी। और ये जो ट्रेन है ये शायद पैसेंजर ट्रेन है। जी हाँ वही है, समस्तीपुर रक्सौल पैसेंजर, और इसी ट्रेन का अभी समय भी है आने का। आप देखिए अभी तक फाटक गिरा ही हुआ है और क्योंकि एक ट्रेन का और भी जाना है जो कि रक्सौल से दरभंगा की तरफ जाएगी, मेमू ट्रेन। ये देखिए प्रस्थान कर रही है सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से अपने निर्धारित समय पर।
इधर की तरफ जो है कि अभी कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खुदाई उदाई किया गया है और यहाँ पर भी पिलर का निर्माण किए जाएंगे। अभी तो प्रारंभिक स्टेज में ही है, धीरे धीरे करके इसको भी काम पूरा किया जाएगा। आगे चलते हैं फिर आपको दिखाते। काफ़ी लंबा चौड़ा रहने वाला है, 1440 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर की यह रोड ओवर ब्रिज होगी, जिसमें दोनों ही रेलवे और रेलवे की और राज्य की दोनों की सहभागीदारी है, जिस वजह से यह पुल निर्माण में होने में सक्षम हो पाया है। बावन है जो चली जाएगी बाजपट्टी की तरफ और ये इधर से यानी कि लेफ्ट की तरफ से ये भिट्ठा मोड़ की तरफ चली जाती है और दोनों ही तरफ से फ्लाईओवर लैंड करेगी। यानी कि इधर देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ काम चल रहा है, हालांकि धीरे धीरे करके सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी गति जो है कि काफ़ी धीमी है। यहाँ पर भी खुदाई किया गया है और तो यही अपडेट है अभी तक का सीतामढ़ी रेलवे फ्लाईओवर की, जो कि बहुत सालों का सपना लोगों का साकार होता हुआ दिख रहा है। अब धीरे धीरे करके, हालांकि अभी कष्ट हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि काम भी चल रहा है और बगल से भी जाना है, तो धीरे धीरे ये परेशानियां अभी लगी रहेगी। अभी सब प्रारंभिक स्टेज में ही है, अभी इनिशियल स्टेज में ही काम चल रहा है और जैसे जैसे करके इसके काम को बढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल अभी लगभग हो गए होंगे 7 से 8 महीने तो काम के हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह काम इस हिसाब से धीमी चल रही है। तो फ़िलहाल यही अपडेट है और कुछ ज़्यादा है नहीं सीतामढ़ी रेलवे ओवरब्रिज में, फ्लाईओवर में, और कई लोगों का मांग भी रहा है, उसके हिसाब से मैंने इसको इस वीडियो को पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश की है और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो भी पसंद आया होगा और आगे भी हम आपको इस तरह का अपडेट दिखाते रहेंगे कुछ एक महीने के बाद, क्योंकि धीरे धीरे बदलाव जारी होगा और उस प्रकार से हम आपको संदेश पहुँचाते रहेंगे। आगे कुछ नहीं है, यहीं तक काम हो रहा है और अभी देख सकते हैं इतना ही काम हुआ है जैसे हम आपको दिखाए हैं पूरी वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल यही, पसंद आया हो तो लाइक करें, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड जय भारत।